रोड पार कर रहे थे, बस उधर से कार वाला आए टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी करके आ दो आदमी के ठोक दिए, हम बच गए भैया। थोड़ा पीछे पैर थोड़ा हमारा पीछे था, वो एक कदम आगे गए, दोनों को ठोक दिए। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह 6 बजे के करीब एक कार ने सड़क पार कर रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दो बुजुर्गों की मौत हो गई, जिनमें से एक 64 साल की महिला कमलेश और दूसरे 72 साल के बुजुर्ग नारायण शर्मा शामिल है। पुलिस ने बाद में आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ लिया, जिस कार से हादसे को अंजाम दिया गया था उसे भी जब्त कर लिया है। इस मामले में DCP अंकित सिंह ने कहा कि PCR को सुबह लगभग 6:03 पर उत्तम नगर इलाके में एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, कमलेश नाम की महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर थी, उन्हें माता चनन देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मौके पर आई विटनेस राजू देवी से मिली जानकारी, जिसने बताया कि वह कमलेश और एक बुजुर्ग के साथ रोड क्रॉस कर रही थी उत्तम नगर टर्मिनल पर, जिस दौरान कार चला रहे शख्स ने उनको हिट किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले में 281/106/1 BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। चश्मदीद महिला राजू देवी ने बताया कि किस तरीके वे तीन लोग सड़क पार कर रहे थे और उसी दौरान कार ने दो लोगों को चपेट में ले लिया। कार चालक काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, वहीं राजू देवी वह इस हादसे में बाल बाल बच गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई। क्या हुआ था, कहां के लिए निकले थे आप लोग? भैया मैं सत्संग के लिए निकले थे और उत्तम नगर जब गए ना भैया, तो जैसे रोड पार कर रहे थे, बस उधर से कार वाला आए टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी करके आ दो आदमी को ठोक दिए, हम बच गए भैया। थोड़ा पीछे पैर थोड़ा हमारा पीछे था, वो एक कदम आगे गए, दोनों को ठोक दिए, तो कमलेश दीदी तो जो डेथ हो गए, नारायण भाई जो हुक्की था उसके लिए गए चंदन देवी, वो आधा घंटा के बाद वो भी डेथ हो गए। कितने लोग? दो आदमी। सत्संग के लिए निकले थे? सत्संग के लिए निकले। सड़क पार कर रहे थे भैया। टक्कर किसने मारी? भाई था, दो भाई है, कार में था भैया। वो बहुत तेज था भैया, वो देख लिए जे उतर गए, देख लिए इसके ज्यादा अति हो गए, घबरा देख लिए वो, फिर वो उस पर चढ़ के भाग गए। काफी तेज रफ्तार में? हाँ काफी तेज भैया, वो तो आए जाएंगे कमरा में। घिसेट के भैया बहुत दूर ले गए, बहुत देर ले, बहुत कम यहाँ से हाथ वो पोल के इतना, बहुत देर दोनों के ले गए। दोनों को जब हम पीछे देख रहे हैं, ये दीदी कहाँ गए, दीदी कहाँ गए, थोड़ा कोहरा था भैया, तो देखा मैं पीछा मोड़ के, तो वो दोनों लाश उधर पड़ल थे, तो उनके मैं मोबाइल उठाए, थैला उठाए और उनके संभाल रहे थे, तो मैं फिर आप तब हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल में बोलो ये खत्म हो गया। आ तब चंदन देवी आए, चंदन देवी में वो नारायण भाई था, वो भी सत्संग में जा रहे थे, तो उनके फिर पता चले जे उनके बाल बच्चा आके फिर वो वहाँ पर है। पुलिस भी आए थे। पुलिस ना भैया यहाँ तो मेरा कार्य कैसे हुए, तो मैं कह रहे जे कुछ बताया भी आपको, कुछ कहा भी कैसे से बोलना? अभी तो कुछ नहीं बताए भाई, हम जो देखा वो बोल रहे हैं। कितने बजे की बात? 6:05:45 रहे। कहाँ पे हुआ था? उत्तम नगर के सामने है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।